हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लाया हूँ। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे शैतानी चीज अगर कोई है तो वह है इंसानी दिमाग। उसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। मूवी का नाम है द अनइनवाइटेड, जिसे IMDB की 6.3 की रेटिंग मिली है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एना एक इंट्रोवर्ट लड़की है। वह एक रात अपने दोस्त मैट के साथ बीच पार्टी के मजे उठा रही होती है कि तभी मैट के उसके ज्यादा क्लोज आने से वह डिस्टर्ब होती है और पार्टी छोड़कर जंगल के रास्ते घर की ओर जाने लगती है। उसके इस जाने से उसकी सिस्टर एलेक्स को भी ताज्जुब होता है। अब जब एना जंगल के रास्ते गुजर रही होती है तो उसे रास्ते में कुछ भरी हुई थैलियां दिखाई देती है। वह डरते हुए उनके पास जाती है और बड़ी वाली थैली खोलने जाती है तो अचानक से वह थैली खुल जाती है। उसमें से एक लड़की की हिस्सों में कटी हुई लाश बाहर गिरती है और ऑल ऑफ अ सडन वह लड़की मुड़ के एना से कहती है, घर मत जाना। अब एना घर की ओर भागती है तो तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसकी बीमार माँ के कलाई पे बांधी होती है। एना को लगता है कि उसकी माँ को किसी चीज की जरूरत है, इसीलिए वह उसे बुला रही है। तो वह माँ को रखे हुए बोट हाउस की तरफ जाती है। माँ की सीरियस कंडीशन को देख के अब वह अपने डैडी को बुलाने घर जाती है। वह घर में आती है तो महसूस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह डैडी के बेडरूम की ओर बढ़ती है तो उसे लगता है उस बेडरूम में कुछ तो शैतानी है। तभी बोट हाउस में बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी माँ मर जाती है। अब एना पिछले 10 महीनों से असाइलम में है। अपनी बीमार माँ की फायर में हुई मौत की वजह से वह मेंटली डिस्टर्ब हुई थी और उसने अपनी कलाई काट के सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। एना को ठीक तरह से याद नहीं उस रात क्या हुआ था, तो डॉक्टर उसे अपनी इस कहानी को लिखने बोलते रहते हैं। उसकी इस कहानी को सुनके डॉक्टर सिल्वरलिंग को लगता है कि उसमें सुधार आया है तो आज वह एना को असाइलम से डिस्चार्ज देने वाले हैं। वह एना से कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो अधूरी कहानी है उसे अब अपने घर जाके खत्म करो। एना खुशी से अपने रूम में जाती है और पैकिंग करना शुरू करती है। उसे रिसीव करने उसके डैडी स्टीवन आए हैं। स्टीवन एक नामचीन बुक राइटर है। एना रूम से बाहर जाने मुड़ती है कि एक पागल औरत उसका रास्ता रोक देती है। दरअसल उस पागल औरत का रूम एना के रूम के सामने है। वह औरत एना से कहती है कि तुम जा रही हो तो अब मेरी कहानी मैं किसको सुनाऊंगी। अब एना अपने डैडी के साथ कार से उनके घर की ओर चल पड़ती है। स्टीवन उसे अपनी लिखी हुई नई बुक दिखाता है जो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों एना और एलेक्स के नाम डेडिकेट की होती है, जिससे एना बहुत खुश होती है। वह एना को कुकीज़ का एक डिब्बा देते हैं। एना वह कुकीज़ खाने लगती है कि तभी स्टीवन उसे बताता है कि वह कुकीज़ रैशल ने बनाई है। वह सुन के एना के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं और वह कुकीज़ रख के डिब्बा बंद कर देती है, जिससे साफ पता चलता है कि एना रैशल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। रैशल एना के माँ की नर्स थी। माँ के मरने के बाद रैशल उनके घर में ही रही और अब वह स्टीवन के काफ़ी क्लोज आ गई है। अब एना घर आते ही अपने रूम में जाके सुकून महसूस करती है। बाद में वह अपनी सिस्टर एलेक्स से मिलने जाती है तो तभी उसकी मुलाकात रैशल से होती है। रैशल खुशी से उसका स्वागत करती है और एक बेटी की तरह उसे गले लगाती है। अब एना और एलेक्स दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि एलेक्स भी रैशल को पसंद नहीं करती और उनके हिसाब से रैशल नर्स बन के आई और उसने उनके डैडी को फंसाया। अब वह उनकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहती है। एना जब एटिक में जाके पुराने फोटो देखती है तो इमोशनल होती है और रैशल का फोटो देख के उसके दिल में और नफरत जाग जाती है। रात को एना सोती है तो उसके कमरे में उसकी मरी हुई माँ की आत्मा आके उसे डराती है, मगर वह एना का वहम होता है। तभी एलेक्स उसके कमरे में आती है। वहाँ पड़ी माँ की बेल को देख के एलेक्स गुस्सा होती है। एना उससे कहती है कि वह बेल उसे उसकी माँ की याद दिलाती है तो एलेक्स उससे कहती है कि वह बेल उसे रैशल की याद दिलाती है क्योंकि रैशल ने वह बेल माँ के कलाई पे इसलिए बांधी थी ताकि जब वह उनके डैडी के साथ रोमांस कर रही होती है तो बेल की आवाज़ सुन के अलर्ट हो जाए और जान जाए कि माँ उनकी तरफ आ रही है। उसकी बातों से एना के दिल में रैशल के खिलाफ और नफरत पैदा होती है। दूसरे दिन एना को उसका पुराना बॉयफ्रेंड मैट मिलता है। वह उससे कहता है कि उसने उस रात को सब देखा जो उसकी माँ के साथ हुआ और उसे यह भी पता है कि उसकी माँ को किसने मारा। तभी वहाँ पे रैशल आती है। रात को अपने डैडी को रैशल के करीब जाते देख एना अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होती है और वह उठ के बोट हाउस की उस रूम में जाती है
जहाँ उसकी माँ मरी हुई थी। वहाँ भी उसकी माँ की आत्मा आके उसे डराती है। वह आत्मा छत की ओर इशारा करके जोरों से चिल्लाती है, मर्डर। एना को लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती है। एना एलेक्स के सामने अपना शक जाहिर करती है कि शायद उस दिन जो आग लगी थी वह एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था जो रैशल ने किया होगा। एलेक्स उससे कहती है कि अगर रैशल ने हमारी माँ का मर्डर किया है तो वह उसे इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। तभी वहाँ पे रैशल आ जाती है और वह एना को शॉपिंग के लिए चलने बोलती है। एना उसके साथ जाने को तैयार होती है ताकि वह स्टोर में मैट से मिल सके और उससे जान सके उस रात क्या हुआ था। एना रैशल के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है कि तभी उसे वहाँ पे 3 बच्चों की आत्माएं दिखाई देती है जो एना का वहम होता है। अब स्टोर में एना मैट से मिलती है तो मैट उससे कहता है कि वह रात को उसे समुंदर के किनारे रॉक पे मिलेगा। यहाँ घर में एना और एलेक्स को रैशल के वार्डरोब की तलाशी लेते वक्त एक बैग में कुछ नशे के इंजेक्शन मिलते हैं। एना को लगता है कि रैशल वो इंजेक्शन उसके लिए लाई हुई है। फिर एना एलेक्स के साथ मैट से मिलने रॉक पे जाती है मगर मैट नहीं आता तो वह डिप्रेस हो जाती है। रात को मैट एना से मिलने उसके रूम में आता है। वह मैट को रॉक पे न आने की वजह पूछती है तो वह उससे कहता है कि वह नीचे गिर गया था जिसकी वजह से उसे पीठ में चोट आई। मगर अगले ही पल एना को दिखता है कि मैट की पीठ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है। मैट एना से कहता है कि उसकी माँ ने उसे पहले ही एना को लेके वार्न किया था। वह नज़ारा देख के डर के एना रूम के बाहर आती है। दूसरे दिन पुलिस को समुंदर में मैट की लाश मिलती है। शेरिफ से एना को पता चलता है कि ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मैट के पीठ की हड्डी टूट गई और उसमें उसकी मौत हो गई। शेरिफ एना से कहते हैं कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उनके पास आ सकती है। एना स्टीवन से कहती है कि उसे शक है कि रैशल ने मैट को मारा है क्योंकि मैट उसे कुछ बताने कल रात आ रहा था जो रैशल को पता था मगर स्टीवन उस पर विश्वास नहीं रखता। एना एलेक्स को अपने हाथ की चोट दिखा के उससे कहती है कि कल मैट उससे मिलने उसके रूम में आया था। एलेक्स एना से कहती है कि अब शायद रैशल उन दोनों को मारने की कोशिश करेगी। तो दोनों पता करने की कोशिश करती है कि आखिर यह रैशल समर है कौन। तो उन्हें पता चलता है कि इस नाम की कोई औरत नर्सिंग एसोसिएशन में है ही नहीं। अब जब एना रैशल के रूम में जाती है तो रैशल बड़े प्यार से उसे उसका पसंदीदा मोतियों का हार पहनाने जाती है। तो एना उससे कहती है कि उसे पता चला है कि उसका असली नाम रैशल समर है ही नहीं, वह कोई और है। रैशल समर नाम की औरत 5 साल पहले ही मर चुकी है। उसकी बातें सुनकर रैशल के चेहरे से एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। एना रैशल से कहती है कि वह उसकी असलियत उसके डैडी को बताने जा रही है। तो उस पर रैशल उसे धमकी देती है कि उसके एक फ़ोन से असाइलम वाले उसे उठा के फिर से पागलखाने में बंद कर देंगे। और वैसे भी असाइलम के डॉक्टर सिबरलिंग को लगता है कि तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। एना को पता चलता है कि उसका एक गलत कदम उसे फिर से पागलखाने में पहुंचा देगा। तो वह चुप रहती है और फैसला करती है जब उसके पास रैशल के खिलाफ पूरे सबूत होंगे तब वह एक्शन लेगी। रात को घर में पार्टी होती है मगर किचन में एना को अजीब वहम होते हैं। उसे उस लड़की की आत्मा दिखाई देने लगती है। स्टीवन को लगता है कि उसे डॉक्टर सिबरलिंग से बात कर लेनी चाहिए। तो एना को लगता है कि उसके डैडी भी रैशल की तरफदारी कर रहे हैं। उसी में उसे पता चलता है कि उसके डैडी जल्द ही रैशल से शादी करने जा रहे हैं। वह सुन के एना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। दूसरे दिन स्टीवन कुछ काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। तो एना रैशल के साथ मैट के फ्यूनरल सेरेमनी में जाती है। वहाँ एना को वही 3 बच्चों की आत्माएं दिखाई देती है। वह बच्चे उसे उनकी ग्रेव तक लेके जाते हैं। तो एना को उनका नाम पता चलता है जो होता है राइट। तो अब वह राइट नाम के बच्चों के मर्डर से इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है 10 साल पहले उन 3 बच्चों का उनकी नैनी ने मर्डर किया था और उन्हें घर के पास ही दफन कर दिया था। उन बच्चों को मारने के पहले नशे का इंजेक्शन देके उन्हें बेहोश किया गया था। पुलिस को उनकी नैनी मिल्ड्रेड कैंप पे शक था जो उन बच्चों के पिता से एक तरफा प्यार करती थी और बच्चों को अपने रास्ते का काटा समझती थी। मगर मिल्ड्रेड कैंप उस वाकियत के बाद फरार हो चुकी थी। तभी इंटरनेट पे एना और एलेक्स को उन बच्चों की माँ के गले में वही मोतियों का हार दिखाई देता है जो रैशल के पास था। रैशल के अनुसार उसे वह हार उसकी एक पेशेंट ने गिफ्ट किया था। मगर एना और एलेक्स समझ जाते हैं रैशल ही मिल्ड्रेड कैंप है। एना को लगता है कि अब उन बच्चों को मारने के बाद रैशल उन्हें भी उसी तरीके से मारना चाहती है। मगर एलेक्स उससे कहती है कि वह आज रात को ही
यह किस्सा खत्म कर देगी। उनकी वो बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रैशल सुनती है। रात को एना और एलेक्स सबूत के तौर पे वो हार हासिल करने जाते हैं, मगर दरवाज़ा लॉक होता है तो एलेक्स छत के रास्ते रैशल की बेडरूम की ओर जाती है। तो एना उतनी देर में रैशल के पर्स से उसके कार की चाबी हासिल करती है। अब जब वह ऊपर आती है तो रैशल उसे रेड हैंड पकड़ लेती है और उसे इंजेक्शन लगाने जाती है, मगर एना परफ्यूम की बॉटल रैशल के सर पे मार के वह हार लेके भागती है। वह जब एलेक्स के रूम में पहुंचती है तो एलेक्स वहां बेहोशी की हालत में होती है। वह एना से कहती है कि वह हार लेके शेरिफ के पास चली जाए। तो अब एना कार लेके पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वह शेरिफ को बताने की कोशिश करती है कि रैशल असल में मिल्ड्रेड कैंप है, जिसने 10 साल पहले उन बच्चों को मारा है और उसी ने आग लगा के उसकी माँ को भी मारा है। मगर शेरिफ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एना असाइलम से आई है। तो वह रैशल को कॉल करते हैं। रैशल वहाँ आती है और वह एना को इंजेक्शन देके सीडेड कर देती है। फिर वह उसे उठा के घर ले आती है। एना रैशल को मारने के लिए पासी रखा चाकू उठाने की कोशिश करती है, मगर इसके पहले कि वह उस तक पहुँचे रैशल उसे रोकती है। तभी एना की नज़र दरवाजे के पास खड़ी एलेक्स पे जाती है, मगर इंजेक्शन की वजह से वह सो जाती है। जब वह जाग जाती है तो उसे दरवाजे के बाहर फर्श पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वह उन्हें फॉलो करते हुए घर के बाहर रखे डस्टबिन तक पहुंचती है। जब वह डस्टबिन को खोलती है तो थैली में रैशल की लाश होती है। वह देख के एना पूरी तरह डर जाती है। तभी वहाँ पे एलेक्स आती है, उसके हाथ में खून लगा चाकू होता है। एना समझ जाती है एलेक्स ने रैशल को चाकू से मार दिया है। एलेक्स एना से कहती है कि यही एक रास्ता बचा था। तभी वहाँ पे स्टीवन आ जाता है। एना के कपड़े पे खून के धब्बे देखकर वह चकरा जाता है। एना स्टीवन से कहती है रैशल उन्हें मारना चाहती थी, इसीलिए एलेक्स ने उसे मार दिया। उसके मुंह से एलेक्स का नाम सुन के स्टीवन और चकरा जाता है। वह एना से कहता है उसकी सिस्टर एलेक्स तो 1 साल पहले ही उसके माँ के साथ उस बोट हाउस में जलकर मर गई थी। स्टीवन की बातें सुनकर हम भी चकरा जाते हैं, मगर अगले ही पल हमें दिखाई देता है कि एना के साथ एलेक्स नहीं है, वह अकेली है और उसके हाथ में खून से लथपथ चाकू है। एना भी वह देख के शॉक होती है और वह भी समझ जाती है कि एलेक्स का उसके पास होना उसकी इमेजिनेशन थी, उसका हेलुसिनेशन था। एलेक्स कभी वहाँ थी ही नहीं। अब एना को उस रात की सब बातें याद आती है। जब वह बीच पार्टी से घर लौटी थी तो उसने अपने डैडी को रैशल के साथ बेडरूम में देखा। उन्हें वह करता देख उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। उसी सदमे में उसने रैशल को और डैडी को घर के साथ जलाने की ठानी। वह लालटेन लेके पेट्रोल लाने बोट हाउस गई थी, जहां उसकी बीमार माँ को रखा हुआ था। वह पेट्रोल से कैन को भर रही थी कि तभी उसके पीछे वहां पे एलेक्स आई थी, जो नशे में थी। एना अपने ही जुनून में थी तो उसने पेट्रोल का टैप खुला छोड़ दिया। जब वह बोट हाउस से बाहर आके घर की ओर जा रही थी तो एलेक्स ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, जिससे अंदर रखी लालटेन जमीन पे गिर गई। एलेक्स एना के पीछे जाने वाली थी कि तभी उसे माँ की घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो वह माँ को देखने फिर से बोट हाउस के अंदर गई। तभी जमीन पे पड़े पेट्रोल ने लालटेन की आग को पकड़ लिया और पेट्रोल टैंक में बड़ा धमाका हुआ। धमाके में पूरा बोट हाउस जल के राख हो गया। उसमें एना की माँ और एलेक्स भी मर गई थी। वह एक एक्सीडेंट था, मगर उस एक्सीडेंट की वजह से एना मेंटली बीमार हो गई। एना को यह भी याद आता है कि उस रात मैट को धक्का देके उसी ने मारा था, क्योंकि मैट जानता था कि एना की माँ के मरने के पीछे एना ही है। मूवी की शुरुआत से एलेक्स को जो हम एना के साथ देख रहे होते हैं वह उस पागल लड़की की इमेजिनेशन होती है। असलियत में उन हर सीन में एना अकेली ही होती है। एना को यह भी याद आता है कि रैशल को भी उसी ने मारा है। दरअसल रैशल एक अच्छी औरत थी जो एना को अपनी लड़की समझती थी, क्योंकि वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, मगर एना ने अपने पागलपन में उसे गलत समझ के मार दिया। दूसरे दिन पुलिस एना को अरेस्ट करके लेके जाती है, मगर उसके चेहरे पे पछतावा नहीं होता, जिससे पता चलता है कि वह सही मायने में पागल थी। स्टीवन शेरिफ को बताता है कि रैशल ने अपने एब्यूजिव बॉयफ्रेंड से बचने के लिए अपना नाम बदल दिया था, मगर पुलिस एक बात समझ नहीं पाती कि एना के दिमाग में वो मिल्ड्रेड कैम्प की स्टोरी कहाँ से आई। एना को फिर से पागलखाने में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर सिल्वरलिंग पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो उनसे कहती है कि मैंने वही किया जो तुम चाहते थे, मैंने मेरी कहानी को अंजाम दिया। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। तभी सामने के रूम की वह औरत एना को देख के खुश होती है, मगर जब वह दरवाज़ा बंद करती है तो उसके दरवाजे पे लिखा होता है मिल्ड्रेड कैम्प। हम समझ जाते हैं
कि मिल्ड्रेड की कहानी एना के दिमाग में कैसे आई। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी में एक हिडन बात है, दरअसल एना की माँ को एना की इस मेंटल बीमारी का पता था, जिसको लेके उसने एना के बॉयफ्रेंड मैट को भी वॉर्न किया था। मतलब एना में पागलपन के लक्षण पहले से थे। जब एना असाइलम में थी तभी कहीं पे उसके दिमाग ने रैशल को मारने का ठान लिया था। इसीलिए घर आने के बाद वह एलेक्स को इमेजिन करके रैशल को विलन ठहराने का काम करती है, जो दरअसल उसके दिमाग का खेल होता है। और जब वह रैशल को मारती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसका मिशन पूरा हो गया। इसीलिए एंड में उसके चेहरे पे पछतावा नहीं होता। मूवी की एंडिंग जबरदस्त है। अब आपको पता चला है, फिर भी आप इसे देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, तो एक बार जरूर देख लेना। और हाँ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आप तक लाते रहे। तो फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।